जय सियाराम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल लड्डू गोपाल के भक्त में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भविष्य के बारे में। अक्सर हम सभी में ये उत्सुकता होती है कि हमारा आने वाला समय कैसा होगा, हमारा भविष्य जो है वो कैसा होगा, हमारा भविष्य कितना उज्जवल होगा, उसमें कैसी घटनाएं घटित होंगी, क्या वो घटनाएं अच्छी होंगी बुरी होंगी। इस प्रकार की उत्सुकता जो है वो प्रत्येक मनुष्य में कहीं ना कहीं होती है। तो उसे कैसे जान सकते हैं? बहुत लोग जो हैं किसी ज्योतिषी के पास जाकर इसे जानने का प्रयास करते हैं, पर आप जो है इसे स्वयं भी जान सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हम अपना भविष्य जो है वह स्वयं ही कैसे जान सकते हैं। तो भविष्य जानने के लिए स्वयं को जानना बहुत ज़रूरी है, और स्वयं को जानने का एकमात्र मार्ग है ध्यान, ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान। तो ब्रह्म मुहूर्त जो है वो एक ऐसा समय है जिस समय सारी ईश्वरी शक्तियाँ जो हैं वो हमारा साथ देती हैं, ताकि हमारा मन बुद्धि शरीर जो है वो एकाग्र हो सके। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान के क्या लाभ हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद सोना नहीं चाहिए, इस प्रकार की ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ी हुई अनेक वीडियोज़ मेरे चैनल पर हैं, आप उन्हें भी ज़रूर से देखिएगा। लेकिन आज की हमारी चर्चा है कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से हम अपना भविष्य कैसे जान सकते हैं। तो जब कोई भी मनुष्य जो होता है वो ध्यान करता है, तो ध्यान के माध्यम से धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर मौजूद जो चक्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं, वो धीरे धीरे जागृत होने लगते हैं। और जागृत होने की वजह से हम ये जान पाते हैं कि हमारा आने वाला समय कैसा है। ध्यान की ही अवस्था में हमें घटनाओं के बारे में पता चलने लगता है कि आने वाले समय में घटनाएँ जो हैं वो अच्छी घटित होने वाली हैं या बुरी घटित होने वाली हैं, वो हमें ध्यान के माध्यम से ही पता चल जाता है। आपने सुना होगा कि बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि हमें आने वाले समय का पता चल जाता है, हमारी सिक्स सेंस जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, हम जान पाते हैं। तो सिक्स सेंस जो है वो अपने आप से तेज़ नहीं होती है। वो व्यक्ति जो है जिसकी सिक्स सेंस तेज़ है, इसका मतलब है कि वो जो है जाप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, और ध्यान की ऐसी अवस्था में पहुंच चुका है जहां आने वाले समय के संकेत उसे स्वयं ईश्वरीय शक्तियां देती हैं, जिससे वो जान पाता है कि आने वाले समय में किस प्रकार की घटनाएँ घटित हो रही हैं। यानी कि हम अपने भविष्य को स्वयं जान सकते हैं ध्यान के माध्यम से, लेकिन वो ध्यान जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में ही किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में किए गए ध्यान से केवल भविष्य ही नहीं, बल्कि हम वो भी जान सकते हैं जो हमारे साथ पूर्व में घटित हुआ है और जिसको हम भूल चुके हैं, यानी कि अपने पिछले सभी जन्मों के बारे में हम जान सकते हैं। आपने सुना ही होगा कि ऋषि मुनि जो पुराने समय में पुरातन काल में थे, वो जो है अपना सब कुछ जानते थे, यानी कि वो पिछले जन्मों में कौन थे, आने वाले जन्मों में कौन होंगे, घटनाएँ किस प्रकार घटित होंगी, वो सभी चीज़ें जानते थे। वो इसीलिए जानते थे क्योंकि उनकी ध्यान की अवस्थाएं जो हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में जागृत होती थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप जान गए होंगे कि हम अपना भविष्य जो है वो किस प्रकार से जान सकते हैं। और साथ ही मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन प्रेस करें, ताकि मैं इसी तरह की रोचक जानकारियाँ आप तक लाती रहूँ। तो अभी के लिए जय श्री राम।